बच्चों, पिछले क्लास में हमने सीखा था। तो क्या है कि चिड़िया रहती है, चिड़िया दो बच्चे देती है। वो दो बच्चों का नाम चीची और चीची चूचू रखती हैं। उसके बाद वो बड़े होने लगते हैं और उड़ने के लिए ज़िद करते हैं। ठीक है, अभी ये वो क्या कहते हैं दोनों बच्चे, उनको हौसला आ जाता है कि हम भी उड़ सकते हैं करके। लेकिन क्या होता है, माँ कहती है कि बच्चे क्या कहते हैं माँ से कि माँ, हम भी आपके साथ दाना चुगने चलते हैं। तब माँ क्या कहती है इसके बारे में, देखिए मेरे नन्हे बच्चों, तुम अभी बहुत छोटे हो, दूसरे पक्षी तुम्हें मार कर खाएंगे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर वे क्यों मानते, उन्हें तो उड़ने की खुशी हो रही थी, जैसे तुम लोग की, मान लो कि चिड़िया चुगा लेने गई। वे खुले आकाश में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम उड़ने लगे। उन्हें बहुत भला अच्छा लग रहा था खुले आकाश में उड़ना। उन्हें बाहर की दुनिया इतनी सुंदर लग रही थी कि वो पहली बार देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि आहा, यह दुनिया कितनी सुंदर है और दूर दूर तक हरियाली छाई है। नहाने के लिए यहाँ जगह जगह पर साफ पानी है, के तालाब जैसे तालाब है। खाने पीने के लिए चारों तरफ अनाज वो फल है। और ऐसी सुंदर दुनिया को छोड़कर वे अपने घोंसलों में नहीं जाएंगे। माँ को उनके उड़ने का पता लग गया था, तो वो उन्हें बाहर नहीं निकलने देंगी। तो वो क्या सोच रहे थे, यदि हम उड़ रहे करके माँ को पता चल गया तो वो माँ हमें उड़ने के लिए नहीं देंगी। सारा दिन वे खेतों पर, पेड़ों पर उड़ाने भरते, जैसे कि ज़ोर ज़ोर से उड़ाने भरते। जब वे थक जाते तो निकट के किसी पेड़ पर सुस्ताने होकर बैठ जाते थे। उन पेड़ों पर उन्हें दूसरे पक्षियों के घोंसले भी मिल जाते थे। उनमें नन्ही नन्ही सी छोटे छोटे बच्चे बैठे होते थे। चूचू और चिमी ने सोचा कि क्यों ना इनसे दोस्ती के कर ली जाए। रात का भी इंतज़ाम हो जाएगा और घर में रहेंगे। अपने घर लौटने पर माँ की झिकड़ियाँ सुनने नहीं पड़ेंगी। बस वे उड़कर पेड़ की चोटी पर बने चिऊ की झील के घोंसले पर पहुँचे। चिऊ की घोंसले पर पहुँचे। घोंसले में दो नन्हे बच्चे बैठे थे। चूचू ने उन्हें नमस्ते की और उन्हें अपना दोस्त बनाने की बात की। चीचू के बच्चों ने चूचू और चीची को बात मना ली और उन्हें घोंसले में बुला लिया। जैसे ही दोनों घोंसले में पहुँचे, उन्हें घोंसले की कांटे चुभने लगे। क्या हुआ, वो एक पेड़ पर दिन भर उड़ाने भरते, इधर उधर घूमते, तालाब में, पानी में तैरते और फल खाते, दाना खाते। और जैसे सुस्ताने हो जाते थे, वो पेड़ पर टंगी पर जाके बैठते थे। और पेड़ पर टंगी पर जाके बैठने के बाद उनको एक चीहू की झील का घोंसला मिलता है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि वहाँ दो बच्चे रहते हैं, तो वो दो बच्चों के साथ वो दोस्ती कर लेते हैं। दो बच्चों के साथ दोस्ती कर लेने के बाद वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उसके घोंसले में ही घुस जाते हैं। उनके घोंसले में घुस जाने के बाद वह क्या करते हैं, देखिए। ठीक है, घोंसले में घुसने के बाद उनको कांटे चुभने लगते हैं। कांटे चुभने लगने पर वो नन्ना बड़ा गुस्सा आया, नन्हे को उन्हें बड़ा गुस्सा आया, यहाँ भी कोई घोंसला है। उनका कैसा था, उनका मखमल यानी कि सॉफ्ट था, और ये चूहों का जो था वो कांटे का था। तो इन चूहों को उन्हें बड़ा गुस्सा आया, यहाँ भी कोई घोंसला है, कांटे ही कांटे भरे हैं। यानी कि वो चीची और चूचू को
यहाँ पसंद नहीं आया और वो कहते हैं कि यहाँ भी कोई घोंसला है, इसमें कांटे ही भरे हुए हैं। वे बोले, अरे तुम लोग इसमें कैसे रहते हो, तुम्हें कांटे नहीं चुभते। वो क्या कहता है, अरे तुम इसमें कैसे रहते हो, तुम्हें कांटे नहीं चुभते। धूप पानी से कैसे बचाव करते हो, धूप और पानी से कैसे बचाव करते हो। चूहों के बच्चे हंसे और बोले, भैया हमें तो बड़ा आनंद आता है अपने घोंसले में, अगर धूप पानी से बचने के लिए उनकी छत बना दी जाए तो हमारी मम्मी दूर तक कैसे दिखेगी और हमारे लिए शिकार कैसे लाएगी, वे यहीं बैठे दूर तक देख लेती हैं। तो वो क्या कहते हैं, ये तो काटे और चुपते हैं लेकिन क्या है, यहाँ हमें तो बड़ा मज़ा आता है, हमारी मम्मी को कैसे देखेगा कि कोई शिकारी आया है, क्या आया है, और हमारी मम्मी को शिकारी आया है करके कैसे पता चलेगा। इसीलिए हमारी मम्मी दूर तक देखने के लिए ऐसे वाला घोंसला बनाती है करके ऐसे कहती हैं। चिमी और उनकी बातें अच्छी नहीं लगी, वहाँ सोचने लगे, यहाँ कैसे बच्चे हैं जिन्हें ऐसा गंदा सा घर पसंद है। वहाँ चूचू बोली, चलो भैया हम इनके साथ नहीं रहेंगे, इनकी माँ कहीं हमारा ही शिकार ना कर डाले। तो बच्चे क्या कहते हैं, चलो भैया, चूचू और चीची क्या कहते हैं, चलो भैया, एक दूसरे को कहते हैं, चलो भैया यहाँ से चलते हैं, नहीं तो चूहू की माँ हमें ही शिकार ना बना ले। इसीलिए वो क्या करते हैं, वहाँ से निकलने का सोचते हैं। तभी दूर से आती चूहू की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, वे वहाँ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जा पहुँचे। जिस ढाल पर वे बैठे थे उसमें टेटे तोते की कोटर थी, यानी कोटर में टेटे के दो बच्चे, नन्हे बच्चे बैठे थे और उन्होंने उनका स्वागत किया और आओ भाई, हमारा सारा दिन यहाँ अकेले बैठ कर ही निकल जाता है, आप भी हमारे साथ आओ, अकेले से जी नहीं लगता करके बोलते हैं। उसके बाद बेचारी अम्मा दूर दूर तक हमारे लिए चुग्गा लाने जाती है, तुम हमारे दोस्त बन जाओ तो आपसे हम बात कर सकते हैं, दिन बीत जाएगा अच्छा करके वो कहते हैं। चूचू और चीची कोटर के अंदर चले गए मगर उनका तो दम घुटने लगा। उस छोटी सी बंद कोटर में वे घबराए गए, बोले, भैया तुम इस बंद खोखले में कैसे रहते हो, तुम्हारी तो सांस बंद हुई जा रही है। टेटे की बच्चे हंसकर बोले, भैया चूचू अगर तुम्हारा घर बंद ना हो तो दूसरे पक्षी हमारे माँ बाप की गैरहाजिरी में हमें खा जाएंगे, हमें अपना यही घर अच्छा लगता है। तो यहाँ ऐसे कहते हैं, जो तोता और टोटे कह रहे थे वो उनके बच्चे वैसे कहते हैं। जो चूचू के बच्चे थे वो क्या कहा, जैसे है हमारा काटे का घर वही पसंद है ताकि मेरी मम्मा आकर शिकार पकड़ सके और हमें खाना ला सके। और टेटे और तोते की माँ क्या बच्चे क्या कहते हैं, हमें तो यहाँ घुटन नहीं होती ताकि हमारा शिकार कोई और ना करे, इसलिए हमारी माँ यहाँ पे ऐसे घोंसले में हम रहते हैं करके। चलिए चूचू और चिमी सोचने लगे कि जब इन्हें इतना घटिया घर पसंद है तो हमारा सबसे अच्छा और आरामदेह माँ ने कितने जतन से उसे नरम नरम घास से बनाया और सनई के मुलायम गद्दे लगाए हैं। बस वे उड़ते हुए अपने घोंसले में लौट आए। घोंसले में बैठी चीची काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी, वहाँ डर रही थी कि कहीं उसके पीछे कोई कौवा और चील चूचू और चिमी को खा ना
खा ना जाए। वहाँ बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, मेरे बच्चों तुम कहाँ चले गए थे, मैं तो फिक्र में डूबी थी। मम्मी हम सैर करने गए थे, चूचू बोला। और फिर चिमी और चूचू ने दिन भर की सारी कहानियाँ सुना दी। मम्मी सब बच्चों को अपने खराब से खराब घर भी प्यारे हैं, हमारा घर तो सबसे सुंदर है। मेरे बच्चों अपना घर कैसा भी क्यों ना हो वही प्यारा होता है। क्या तुम्हें अपना घर अच्छा नहीं लगता, जीजी ने उनके सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए पूछा। नहीं मम्मी, हम अपना घर बहुत प्यारा लगा, कहकर दोनों बच्चे अपने मम्मी से लिपट गए और उन्हें स्नेह से सहलाने लगी। तो यहाँ पे क्या है, घर कैसा भी हो, खुद का हो या भाड़े का हो या कोई भी हो, घर अपना घर तो अपना घर ही होता है, किसी और का घर अपना कभी भी नहीं हो सकता। जो अपने घर में सुख शांति मिलती है वहाँ दूसरों के घर में कभी भी सुख शांति नहीं मिलती, भले अपना घर छोटा सा क्यों ना हो वहाँ पे खुशी रहती है। तो इसीलिए वो क्या किया बच्चों ने एक से जगह छोड़कर दो जगह पर घूमने की कोशिश की और वहाँ पे ही रहने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पे उनको पसंद नहीं आया। एक तो जीजू का घर जो है कांटे से भरा हुआ था और दूसरा जो है वो घोंसले में यानी कि कुटर में बना हुआ था, तो वो दोनों भी उनको पसंद नहीं आए, उनको दम घुट रहा था। जिनकी माँ नरम नरम घास से उनका घोंसला बनाया था उनको वो बहुत अच्छा लगा। वो अंत में वो अपने घर में ही लौट आए। यहाँ थी एक छोटी सी कहानी, ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर को हम अगले क्लास में सीखेंगे। धन्यवाद।